हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको एग्रीकल्चर के सिलेबस के बारे में बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी एग्रीकल्चर के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बहुत सारा सवाल आ रहा था कि क्या CUCET होगा। एग्रीकल्चर का अगर CUCET भी होता है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हम अभी देखेंगे कि क्या होगा सिलेबस और किस तरह की चीज़ें होंगी जिससे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि सिलेबस आखिर इसका रहता किस तरह से है। तो इसमें टोटल 5 सेक्शंस होते हैं। एग्रीकल्चर में पहले भी यही सारी चीज़ें आ रही थी, आगे भी यही चीज़ें आएंगी और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ परेशान नहीं होइएगा कि क्या होने वाला है सिलेबस में। अब मैं देख लेते हैं कि सिलेबस आखिर है क्या, तो शायद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसमें टोटल 5 सेक्शंस होते हैं, जिसमें पहला सेक्शन जो हो गया वो मेंटल एबिलिटी का होता है और मेंटल एबिलिटी में टोटल 25 क्वेश्चन आते रहे हैं अभी तक। ध्यान से देखो, 5 सेक्शन में पहला सेक्शन क्या हो गया, मेंटल एबिलिटी, और इसमें दूसरा है केमिस्ट्री, जो कि क्या होता है 25 क्वेश्चन। तो पहला सेक्शन जो है, सेक्शन ए इसको कहते हैं, उसमें आ जाता है मेंटल एबिलिटी एंड केमिस्ट्री। ठीक है, मेंटल एबिलिटी एंड केमिस्ट्री ये हमेशा एक साथ रहता है। इसका ये भी मतलब हुआ कि मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री कंपल्सरी है सभी के लिए। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी किनके लिए कंपल्सरी है। केमिस्ट्री हो गया, नेक्स्ट जो है वो है बोटनी एंड जूलॉजी। बोटनी के भी 25 क्वेश्चन रहते हैं और जूलॉजी के 25 क्वेश्चन रहते हैं। और ये हो गया सेकेंड सेक्शन, जिसको हम कहते हैं बी। ये हो सकता है सी भी हो, डी भी हो, लेकिन एक सेक्शन के अंदर बोटनी और जूलॉजी दोनों आता है। तो क्या क्या चीज़ें हो गई, 25 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी का, 25 केमिस्ट्री का, 25 बोटनी का और 25 जूलॉजी का। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन रहता है उसमें 25 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं और 25 क्वेश्चन फिजिक्स के रहते हैं। तो ये भी टोटल हो गया 50 क्वेश्चंस और इसे हम कहते हैं सेक्शन सी, आप कह सकते हो। और नेक्स्ट जो सेक्शन होता है वो होता है एग्रीकल्चर का, जिसे आप डी कह सकते हो। अब देखो, मैंने यहाँ 5 क्यों लिखा है, 5 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ मेंटल एबिलिटी को अलग से रखा जाता है। मतलब ये हो गया आपका सेक्शन ए, केमिस्ट्री हो गया सेक्शन बी, उसके बाद सी, डी और ई, ये टोटल। लेकिन मैंने यहाँ पे ग्रुप 4 ही बनाए हैं। क्यों बनाया है मैं आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल ये देख लेते हैं कि इसमें टोटल 3 कोर्सेस होते हैं, मतलब 3 जो है ग्रुप्स होते हैं, सब्जेक्ट ग्रुप जिसे हम कहते हैं। पहला सब्जेक्ट ग्रुप कौन सा, बायोलॉजी, दूसरा सब्जेक्ट ग्रुप मैथ और तीसरा एग्रीकल्चर। मतलब हो सकता है कि कुछ बच्चे हैं जिनका बायोलॉजी है तो वो बायोलॉजी से एग्जाम देना चाहते हैं, कुछ का मैथ्स है तो वो मैथ्स से एग्जाम देना चाहते हैं, कुछ का एग्रीकल्चर है तो वो एग्रीकल्चर से देना चाहते हैं। अब देख रहे हो कि यहाँ टोटल जो है 200 क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमें 200 क्वेश्चंस करने नहीं हैं। हर एक पेपर में आता है 200 क्वेश्चंस और बच्चे हमेशा गलती करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक साथ रखा है। वो चूज नहीं कर पाते हैं कि आखिर उन्हें कौन कौन से क्वेश्चन करने थे। तो ये ध्यान से देखना और सभी ग्रुप वाले प्लीज़ नोट कर लेना कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है। ओके, पहला ग्रुप जो है वो बायोलॉजी। अब बायोलॉजी वाले ग्रुप के लिए कौन कौन सी चीज़ें आती हैं तो वो देख लो। पहला हो गया मेंटल एबिलिटी, दूसरा केमिस्ट्री, बोटनी और जूलॉजी। कहीं पे नोट कर लो क्या क्या, मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री, बोटनी और जूलॉजी, उन्हें फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लियरली बता रही हूँ मैं, फिजिक्स उन्हें नहीं पढ़ना है, तो ये याद रखना। क्या क्या, तो ये टोटल हो गए 100 क्वेश्चंस। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी। सेकेंड जो ग्रुप है वो है मैथ्स ग्रुप। अब मैथ्स ग्रुप वाले को क्या करना है, तो मैथ्स ग्रुप वाले को भी मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री करनी है, इसके अलावा उन्हें मैथ्स और फिजिक्स करना है। मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स, तो उन्हें केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स के साथ साथ मेंटल एबिलिटी की भी तैयारी करनी है। अब जो तीसरा ग्रुप है वो है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या करना है, तो एग्रीकल्चर में के लिए भी कंपलसरी होगा मेंटल एबिलिटी एंड केमिस्ट्री। मेंटल एबिलिटी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन, जो बायो वाले हैं उनका भी बायो का 50 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 25 जो है वो बोटनी का और 25
जूलॉजी का मैथ्स वालों के लिए यहाँ पे थोड़ा रहता है कि उन्हें 25 मैथ्स के क्वेश्चन करने होते हैं और 25 फिजिक्स के क्वेश्चन करने होते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर 3 सब्जेक्ट ग्रुप हैं और ये सारे सेक्शंस होते आ रहे हैं अभी तक, और मुझे नहीं लगता है कि CUCET इसमें कोई भी परिवर्तन करेगा। और हाँ, एक चीज़ और मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी बताए हुए हैं कि एग्रीकल्चर का जो पेपर होता है वो ICAR अलग से ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट करता आ रहा है। तो उसके क्या सिलेबस हैं, क्या क्राइटेरिया है, इसके लिए अलग से वीडियो है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। प्लस एग्रीकल्चर करने के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं, इसके लिए भी अलग से वीडियो है। प्लेलिस्ट विजिट ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के सिलेबस मिल जाएंगे। मेंटल एबिलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके अलावा बॉटनी, फिजिक्स, जूलॉजी, मैथ्स, केमिस्ट्री, हर एक का सिलेबस अलग अलग मैंने बताया हुआ है। आप प्लेलिस्ट विजिट करोगे वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं सारे कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगी। अब देख लेते हैं कि कितने टाइम का ये होगा या BHU में कितना सीट होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है। तो BHU में एग्रीकल्चर का जो टोटल सीट होता है ये है 150, ठीक है, टोटल सीट है 150। और इस 150 में 15% जो एडमिशन होता आ रहा है वो किसके थ्रू होता है, तो ICAR के थ्रू। बाकी जो टोटल सीट्स बच गई उसी पे, मतलब ऑलमोस्ट 45 के आसपास सीट्स जो होती हैं उस पे एग्ज़ाम लेता है, मतलब एडमिशन होता है ICAR के थ्रू, और बाकी जो सीट्स होती हैं उस पर BHU अपना एंट्रेंस लेता आ रहा था। अगर मान लो CUCET होता है जो NTA कंडक्ट कराएगी तो भी सिलेबस यही रहेगा। तो परेशान बिल्कुल मत हो, और जो लोग भी पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं प्लीज़ वो अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें और अभी से पढ़ना शुरू करें। अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो हो सकता है कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आओ और आपका BHU ही मिल जाए, आपको BHU में एडमिशन हो जाए, या फिर आप ICAR जो भी चाहते हो कि उन्हें सिर्फ एग्रीकल्चर ही करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें BSc के साथ साथ साइड में चूज कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर का भी पेपर दे देते हैं, तो वो ये दे सकते हैं और इस तरह का सिलेबस है तैयार करके आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे बेनिफिशियल होता है जो लोग फिजिक्स से डरते हैं, बायो वाले बच्चे जनरली, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है कि उन्हें फिजिक्स नहीं पढ़ना है। ये मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ कि एग्रीकल्चर का जो सिलेबस होगा उस सिलेबस में आपको इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कैटेगराइज्ड है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। मेंटल एबिलिटी सबको पढ़ना है, सबके लिए कंपलसरी है, और ये पहले भी होता आ रहा था इसी तरह से। इसके 25 क्वेश्चन ही थे। इसके अलावा एग्जाम में मार्क्स कितने होंगे ये भी एक है, और कट ऑफ कितना होगा। तो इस बार के कट ऑफ की वीडियो मैंने डाली हुई है अपने चैनल पे, आप वहाँ पे देख सकते हो, आपको टोटल एक एनालिसिस मिल जाएगा कि हमें कितना मार्क्स लाना है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, टोटल 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं, जो अभी तक 300 मार्क्स का होता आ रहा था, एक निगेटिव था, लेकिन अब हो सकता है अगर NTA कंडक्ट कराए तो एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का हो, यानी कि टोटल 400 मार्क्स का एग्जाम होगा और एक निगेटिव होगा। तो 400 में आपको ऑलमोस्ट, अगर आप BHU चाहते हो तो इसके अंदर 250 से ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे। समझ लो कि 300 मार्क्स अगर आप लेकर आते हो तभी आपका BHU में एडमिशन हो पाएगा। और टोटल जो टाइम होता है इसका 2 आवर्स, यानी कि 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है कि 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस, यानी कि आप देख रहे हो काफ़ी टाइम आपको मिल जाता है क्वेश्चंस करने के लिए। तो जो बायो वाले या एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है कि 2 घंटे में, यानी कि 120 मिनट्स में सिर्फ 100 क्वेश्चन करने हैं। वहीं अगर BSc के सिलेबस में देखोगे तो वहाँ 150 क्वेश्चंस करने होते हैं, टोटल 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 2.5 आवर का, तो 1 मिनट का टाइम मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पे 1 मिनट से ज़्यादा का वक्त मिल रहा है। तो ये एक बेनिफिशियरी है आपके लिए, और ये ग्रुप जो भी आप चूज़ करो उसको काफ़ी सावधानी से चूज़ करना, किस ग्रुप वाले को कौन सा सब्जेक्ट मिलता है कॉलेज में। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगी कि आप जब
क्वालिफाई करके BHU में जाओगे तो वहाँ पे आपको कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप मिलेगा। आप जैसे पहली बार आप सोचते हो, आपको बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि एग्रीकल्चर में आखिर कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, हमें किस ग्रुप में एडमिशन लेना है, क्या पढ़ेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप बहुत कुछ पढ़ते भी हो कि हॉर्टिकल्चर होता है या बी कीपिंग हो गया या एनिमल्स के लिए, तो ये आपको वहाँ क्या मिलेगा, कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप मिलेगा, इसके ऊपर अगर आप कमेंट करोगे तो मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।